Hello everyone, this is Professor Pavan Shivankar and I welcome you in a 22nd lecture of Machine Design Drawing 2. And our today's topic is unit number 2, belt drives. We have completed our first unit in which shaft design of shaft, then keys, flywheel and couplings we have covered, as well as the numericals depends on the topic we have covered. The next unit is belt drives. So let us start unit number 2. First of all, let's go through the introduction कि belt drives है क्या और उसका application क्या है. तो we know very well कि belt drives क्या है, power transmission का एक mean, okay, एक जरिया जिससे हम power transmit करते हैं. So already we have discussed about the shafts as well as gears as well as pulleys. तो जहाँ पे short distance है वहाँ पे power transmission के लिए हम gear use करते हैं, okay. जैसे अपने cycle में देखा होगा फ्री व्हील लगा है और हम पैडल कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम फ्रंट एक्सल पे पैडलिंग कर रहे हैं वही पावर ट्रांसमिट हो रही है रेयर व्हील पे, पीछे के चक्के पे. और वो किससे हो रही है, चेन से हो रही है. तो स्प्रॉकेट एंड चेन, दैट इज अ मींस फॉर ट्रांसमिटिंग द पावर और द स्पीड, ओके. बाद में हमने गियर के एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे हम एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे जब पावर ट्रांसमिट करना है तो दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया हमने गियर्स. So gear and pinion arrangement is will be there and power will be transferred from one shaft to another shaft. But ये चीज़ कहाँ पर possible होगी, जहाँ पर आपका distance कम है, कम distance पर आपको power transmit करना है. Whenever the situation is like you need to transfer the power for long distance, then only one option left with you, that is a belt drives. Okay, so मैंने बहुत जगह पर देखे, जैसे lathe machine है और जो चक्की वाली मशीन है, वीट फ्लोर मशीन, कुछ कॉम्प्रेसर्स है, एग्रीकल्चर मशीन्स है. तो मैक्सिमम जगह पे हमने देखा कि पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट यूज़ होगा, ओके. सो यही चीज़ें हमें पढ़नी है इस यूनिट में. सो बेल्ट और रोप्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट दी पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मीन्स ऑफ पुलीज विच रोटेट एट सेम स्पीड और डिफरेंट स्पीड, ओके. सो जैसे बेल्ट और रोप कहाँ पर यूज़ हो गए, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होगे जहाँ पे एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे वाया पुली, थ्रू दी पुली पावर ट्रांसमिट होगा. तो शाफ्ट पे पुली माउंटेड रहेगे, ओके, और एक पुली से दूसरी पुली पे जो पावर ट्रांसमिट होगा विद द हेल्प ऑफ बेल्ट होगा. सो दे मे रोटेट एट सेम स्पीड और डिफरेंट स्पीड, डिपेंड्स ऑन दी डायमीटर ऑफ फ्लाईव्हील, ओके, बड़ा है या छोटा है तो, और स्पीड रिडक्शन उसका क्या क्या है, तो उस हिसाब से हमें स्पीड उतनी क्या चाहिए उसके हिसाब से अवेलेबल कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो बेल्ट ड्राइव्स रहेगा. सो बेसिकली बेल्ट ड्राइव्स क्या है, एक पावर ट्रांसमिशन का जरिया, एक मीन्स जिससे हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं. और कहाँ पर स्पेशली बेल्ट ड्राइव्स यूज़ करेंगे, जहाँ पर डिस्टेंस लॉन्ग है. शॉर्ट डिस्टेंस में हम जनरली गियर, क्या बोलते हैं उसको, गियर पिनियन, ये अरेंजमेंट यूज़ करते, ओके. नाउ द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. व्हाट आर द पावर टू बी ट्रांसमिटेड डिपेंड्स ऑन, स्पेशली फॉर बेल्ट ड्राइव्स. तो बेल्ट ड्राइव से अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो फॉलोइंग फैक्टर्स वी नीड टू कंसिडर. नंबर वन इज वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ओके. वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, दैट मीन्स स्पीड ऑफ बेल्ट, कितनी स्पीड से वो रन हो रहा है. टेंशन अंडर विच बेल्ट इज प्लेस्ड ऑन दी पुलीज. तो जैसे पुली है तो, और ये बेल्ट रहेगी यहाँ पे, सेकंड पुली सपोज शॉर्ट पुली रहेगी, ठीक है, डायमीटर में छोटी पुली रहेगी, तो ये इसमें टेंशन क्या रहेंगे. सपोज जैसे हमने शाफ्ट में देखा था T1 T2, तो ये टेंशंस कम ज़्यादा रहेगी क्योंकि एक उसकी टाइट साइड रहेगी, एक उसकी स्लैक साइड रहेगी, ओके. तो जनरली ऊपर की जो साइड रहेगी बेल्ट की वो स्लैक रहती है, थोड़ी सी लूज रहती है, ओके. दिस इज स्लैक साइड एंड दिस इज अ टाइट साइड, ओके. तो टेंशन T2 में ज़्यादा रहेगा एज फार एज T1 एंड T2 कंपेरेटिवली डिस्कस. सो T2 ये टाइट स्लाइड है और T1 इज स्लैक साइड है. तो डिपेंड करेगा कि टेंशन कितना चाहिए बेल्ट में. आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड स्मॉलर पुली, मतलब क्या है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड स्मॉलर पुली. जैसे ये पुली बड़ी पुली है और यहाँ पे अगर ये छोटी पुली हमने अटैच किया और ये बेल्ट ड्राइव है आपका, ठीक है, ऐसा. तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कि जैसे बड़े पुली से छोटी पुली पे जब बेल्ट ओवन हो रहा है तो ये जो आर्क कॉन्टैक्ट है वो कितना रहेगा,
वो कितना होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी डिपेंड करेगा कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए स्मॉलर और पुली पे। कंडीशन अंडर विच द बेल्ट इज़ यूज, अब कंडीशन ये वेरी होगा कि एग्जैक्टली वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि पावर टॉर्क कितना ट्रांसमिट करना है, मतलब पावर कितना ट्रांसमिट करना है, या फिर सर्विस कंडीशन की बात करें कि कितने टाइम के लिए रन करना है, एग्जैक्टली किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है उसको बोलेंगे हम कंडीशन। तो कंडीशन एक बड़ा कंसेप्ट है कि हम उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कंडीशन क्या। इट मे बी एनीथिंग लाइक टाइमिंग, कितने टाइम के लिए रन होगा, या फिर किस एप्लीकेशन के लिए रन होगा, या फिर कितना पावर ट्रांसमिट करना है, बहुत सारी चीज़ें कंडीशन में आएगी। ओके, सो ये एक जनरलाइज कंसेप्ट है कि कंडीशन। ओके, नाउ द स्पेशल नोटिंग्स आर देयर, इट मे बी नोटेड दैट नंबर वन, शाफ्ट शुड बी प्रॉपरली इन लाइन टू इंश्योर यूनिफॉर्म टेंशन अक्रॉस द बेल्ट सेक्शन, ठीक है। आइडियल कंडीशन के लिए पॉसिबल है, प्रैक्टिकल कंडीशन के लिए नहीं, लेकिन शाफ्ट ये इन लाइन होना चाहिए। जैसे ये शाफ्ट है एक, और पावर यहाँ से आपको नीचे ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये पुली और ये पुली है, तो जो ये दोनों इन लाइन होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। अगर ये पुली थोड़ी सी आगे है और यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट कुछ ऐसा इंक्लाइन हो रहा है तो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। जो शाफ्ट रहेगी उसकी जो पुली रहेगी, यहाँ पे पुली लगी है और एक दूसरी पुली अगर यहाँ पे लगी है, तो बेल्ट ये प्रॉपरली उस पर ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसलिए शाफ्ट शुड बी प्रॉपरली इन लाइन टू इंश्योर यूनिफॉर्म टेंशन। तो टेंशन प्रॉपर रहने के लिए शाफ्ट का इन लाइन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पुली शुड नॉट बी too close together in order that arc of contact on a smaller pulley may be as large as possible. तो दोनों पुली एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं होनी चाहिए, इनका डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो वी विल गो फॉर विच ड्राइव सिस्टम, गियर ड्राइव सिस्टम। बट वी प्रीफर, इफ वी आर प्रीफरिंग फॉर बेल ड्राइव सिस्टम, वॉट ए प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी देयर बिटवीन टू पुलीज, ठीक है। तो दो पुली में एक प्रॉपर डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, और डिस्टेंस कितना हम आगे कैसे चेक करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ऐसे, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हमें पढ़ने हैं, फ्लैट बेल्ट है, वी बेल्ट है, सर्कुलर बेल्ट है, तो डिपेंड करेगा आपका एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से हम बेल्ट ड्राइव्स वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी बेल्ट ड्राइव्स, तो देर शुड बी अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन टू पुलीज। ओके, ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि पुली जितनी ज़्यादा नज़दीक रहेगी बड़ी पुली से छोटी पुली, जैसे यहाँ पे हमने निकल ली और यहाँ पे मैं ऐसा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ ये बेल्ट का, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो दिस शुड नॉट हैपन। सो एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे अगर ये पुली यहाँ पे है, तो प्रॉपरली एक डिस्टेंस पे छोटी पुली होनी चाहिए, सो दैट ये जो रहेगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ये कम रहेगा, थोड़ा सा ये एंगल थोड़ा सा कम रहेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट नंबर सी, पुली शुड नॉट बी सो फार अपार्ट एज टू कॉज द बेल्ट टू वे हेवीली ऑन दी शाफ्ट, दस इंक्रीजिंग दी फ्रिक्शन लोड ऑन दी बेरिंग। मतलब क्या, जैसे ये शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ की और इस पर जो पुली लगने वाली है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब उसका जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उस पर बेल्ट रहेगा और उसका टेंशन क्या एक्ट करेगा, एक्स्ट्रा जो वेट एंड पॉइंट पे एक्ट करेगा और वो शाफ्ट को बेंड करेगा, या फिर यहाँ पे ज़्यादा वेट एक्ट हो रहा है एंड पॉइंट पे, तो शाफ्ट की जो लेंथ है वो कम से कम होनी चाहिए। मतलब ये शाफ्ट की लेंथ है और यहाँ पे पुली है, दैट इज़ ओके, लेकिन ये शाफ्ट की लेंथ है और यहाँ पे फिर पुली लगी है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है तो बेल्ट टेंशन की वजह से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी ज़्यादा बन रहा है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट कम से कम होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कम से कम होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ओके, क्योंकि शाफ्ट की लेंथ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस हमने सिलेक्ट की, तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो जो एक्स्ट्रा वेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, देन अ लॉन्ग बेल्ट टेंड टू स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड कॉजिंग द बेल्ट टू रन आउट ऑफ द पुली विच इन टर्न डेवलप क्रूक्ड स्पॉट्स इन द बेल्ट। मतलब क्या, अ लॉन्ग बेल्ट टेंड टू स्विंग साइड टू साइड, मतलब अगर जैसे ये पुली है और यहाँ पे पुली है और ये बेल्ट है, अगर सपोज बेल्ट लेंथ बहुत ज़्यादा है, ओके, बेल्ट लेंथ अगर ज़्यादा है तो रन में क्या होगा कि जो बेल्ट है वो पुली से थोड़ा सा साइड वे में वो शिफ्ट हो सकता है, उतर सकता है पुली से,
ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए जो लेंथ है बेल्ट की वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स विच इज टू बी डिस्कस्ड। पॉइंट ई, टाइट साइड ऑफ द बेल्ट शुड बी एट द बॉटम सो दैट वॉट एवर सैग इज प्रेजेंट ऑन द लो साइड विल इंक्रीज द आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट एट द पुली। मतलब क्या, जो दो पुली है, जैसे फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पुली और यहाँ पे एक पुली है, तो जनरली आपको टाइट साइड और स्लैक साइड कहाँ कहाँ मेंटेन करनी है। टाइट साइड हमेशा बॉटम में रहेगी, यहाँ पे रहेगा टाइट साइड, और स्लैक साइड हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एक ऐसा लूजनेस रहेगा ऊपर की बेल्ट में, टेंशन हमेशा बॉटम में रहेगा, और ये अच्छा भी है, इसलिए फिर आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट जो रहेगा वो भी थोड़ा सा प्रॉपर रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, अगर टाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा बन रहा है, अगर लूज है तो थोड़ा सा कम बन रहा है। सो दैट इज़ गुड साइन फॉर बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे क्या याद रखना है कि टेंशन साइड जो रहेगी हमेशा बॉटम में होनी चाहिए और स्लैक साइड हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। द लास्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड रिजल्ट विद अ फ्लैट बेल्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट शुड नॉट एक्सीड 10 मीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बेल्ट ड्राइव सिस्टम, एंड मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द लार्ज पुली। मतलब क्या, अगर फ्लैट बेल्ट ड्राइव यूज़ करना है और आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए, 100% पावर ट्रांसमिशन होना चाहिए, बहुत कम से कम पावर जो लॉस है वो होना चाहिए, तो उसके लिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या प्रिफर्ड है, मैक्सिमम डिस्टेंस शुड नॉट मोर देन 10 मीटर्स। तो फ्लैट बेल्ट अगर आपको यूज़ करना है तो दो पुली का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कम डिस्टेंस भी मेंशन किया है, तो कम डिस्टेंस कितना दिया है, शुड नॉट लेस देन 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लार्ज पुली। तो लार्ज पुली का जो डायमीटर है उसका ज़्यादा ज़्यादा 3.5 होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम लिमिट है 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लार्जर पुली, और ये मैक्सिमम लिमिट है 10 मीटर्स। ओके, सो दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन द गुड रिजल्ट्स फ्रॉम बेल्ट ड्राइव सिस्टम, स्पेशली फ्लैट बेल्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव। सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, वी कैन से। सो देर आर अराउंड 8 फैक्टर्स और दी कंडीशंस विच इज टू बी फुलफिल्ड अगर बेल्ट ड्राइव ही सिलेक्ट करना है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपको स्पीड ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट की कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा आपको बेल्ट ड्राइव यूज़ करना है या नहीं। सेकेंड है स्पीड रिडक्शन रेशो, आपको कितनी स्पीड बड़ी पुली से छोटी पुली पे, या फिर एट द एंड जहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, जहाँ से पावर इनिशियली ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जहाँ पे एंड में आपको पावर यूटिलाइज करना है, तो वहाँ पे आपको स्पीड रिडक्शन रेशो कितना चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा आपका बेल्ट ड्राइव कौन सा यूज़ होगा। ऑब्वियसली पावर कितना ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको बेल्ट ड्राइव कौन सा यूज़ करना है पावर टू बी ट्रांसमिटेड। फोर्थ पॉइंट है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी शाफ्ट्स, और वी कैन से सेंटर डिस्टेंस ऑफ दी पुलीज, बराबर है कि एक शाफ्ट यहाँ पे एक शाफ्ट यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस, उस पर डिपेंड करेगा कि बेल्ट ड्राइव कौन सा यूज़ करना है। जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट बेल्ट से आपको गुड रिजल्ट ऑब्टेन करने हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए 10 मीटर, इससे ऊपर नहीं, और मिनिमम कितना होना चाहिए 3.5 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ लार्जर पुली। तो ये कंडीशन है कि आपको कौन सा बेल्ट टाइप और बेल्ट ड्राइव से सिस्टम यूज़ करनी है। ओके, पॉइंट नंबर 5 इज़ अ पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइव, उसके हिसाब से आपको बेल्ट ड्राइव चूज़ करनी है। देन दी शाफ्ट लेआउट, अब शाफ्ट लेआउट मतलब क्या, मोर देन टू शाफ्ट्स है, अगर मोर देन टू शाफ्ट्स है तो उसका लेआउट कैसा है, ये दो शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक पुली दूसरी पुली, ठीक है, फिर बाद में एक आइडलर पुली लगा दी, फिर बाद में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है, तो कितने शाफ्ट है उसमें, और वो इनलाइन है या फिर आगे पीछे है, तो किस हिसाब से आपको वो करना है। जैसे यहाँ पे पुली है, यहाँ पे पुली है, ठीक है, यहाँ से आपने पावर ट्रांसमिट किया, फिर दूसरी पुली यहाँ पे लगाई और एक यहाँ पे लगाई, तो यहाँ पे आप बेल्ट लगाओगे, लाइक दैट। तो डिपेंड करेगा कि शाफ्ट लेआउट कैसा है। पॉइंट नंबर 7 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेस अवेलेबल। जैसे बोला है हमने कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन
जो लेआउट रहेगा मशीन का, उसमें भी आपको चेक करना है कि स्पेस कितनी अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज़ करनी है। आपने लेथ मशीन का देखा होगा, मोटर से जो फ्लाईव्हील लगा है वहाँ पे बेल्ट ड्राइव सिस्टम कैसी रहेगी, है ना, वर्टिकल सिस्टम है वहाँ पे। अगर वो आटा चक्की वाली मशीन देखी होगी तो वो हॉरिजेंटल है ना, पूरा का जो सेटअप है वो हॉरिजेंटली माउंटेड है, जहाँ पे आपका क्रश होगा ग्रेन और जहाँ से पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो शाफ्ट कैसे, मतलब जो बिल्ड सिस्टम है वो हॉरिजेंटल है, ऐसी लेथ मशीन में वर्टिकल है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्पेस कैसी अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपकी बिल्ड सिस्टम, बिल्ड रेस सिस्टम कहाँ पे यूज़ करनी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन यू कैन से कितनी टाइमिंग के लिए आपको यूज़ करना है, सपोज 8 आवर्स पर डे मशीन अगर रन होने वाली है, और वो 8 आवर्स पर डे फॉर 1 वीक, सपोज 6 डेज इन अ वीक, इस हिसाब से आपको वो रन करना है। तो जैसे ये सर्विस कंडीशन हो गई, वो कितने घंटे रन होगी महीने में, हफ्ते में कितने दिन रन होने वाली है मशीन, ठीक है, तो कितने टाइम के लिए आपको चलानी है मशीन, उस पर भी डिपेंड करेगी कि आपको कौन सा टाइप का बेल्ट और कौन सी टाइप की बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज़ करनी है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच यू शुड सिलेक्ट, और यू शुड कॉन्सेंट्रेट, यू शुड स्टडी दीज आस्पेक्ट्स, एंड देन एंड ओनली देन यू शुड सिलेक्ट यूर बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ओके, सो दिस इज अबाउट दी बेसिक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच यू कैन सिलेक्ट बेल्ट ड्राइव। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव्स दैट मीन्स लाइट, मीडियम एंड हीवी। दिस क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकली डिपेंड्स अपॉन दी स्पीड, जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो जो वेलोसिटी रहेगी बेल्ट की, कितनी वेलोसिटी से वो रन हो रहा है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा, लाइट ड्राइव है, मीडियम है या फिर हीवी ड्राइव। जैसे लेट अस चेक फर्स्ट वन, लाइट ड्राइव। लाइट ड्राइव इज, दीज आर यूज टू ट्रांसमिट अ स्मॉल पावर एट बेल्ट स्पीड अप टू 10 मीटर पर सेकंड, एज इन एग्रीकल्चर मशीन्स एंड स्मॉल मशीन टूल्स। ओके, सो स्पेसिफिकली जो पंप रहेगा, कंप्रेसर रहेगा, कंप्रेसर नहीं बोल सकते, लेकिन स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर मशीन्स के जो पंप रहेगी वो स्मॉल मशीन टूल्स, ड्रिल मशीन हो गया जस्ट लाइक, तो ये हो गया आपका लाइट ड्राइव्स, जहाँ पे बेल्ट वेलोसिटी रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। मीडियम ड्राइव्स क्या है, जहाँ पे जो स्पीड रहेगी वो 10 मीटर पर सेकंड से 22 मीटर पर सेकंड तक वैलिड है, ओके, एक्सेप्टेड है वहाँ पे। सो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे हम मीडियम ड्राइव्स, लाइक इन मशीन टूल्स। सो मशीन टूल्स ऊपर भी है, यहाँ पे थोड़ा सा भी एडवांस कर दिया, बड़ी वाली थोड़ी सी मशीन्स। हेवी ड्राइव्स क्या है, जहाँ पे आपकी जो बेल्ट स्पीड है वो अबाउट 22 मीटर पर सेकंड है, जस्ट लाइक कॉम्प्रेसर एंड जनरेटर। ओके, सो डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, वी कैन कॉल द गिवन बेल्ट सिस्टम, बेल्ट ड्राइव सिस्टम एज अ लाइट, मीडियम एंड हेवी ड्राइव्स। तो इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, सिंपली एंड सिंपली स्पीड पे, बेल्ट स्पीड पे। अगर 10 है और उसका उससे कम है, बिलो एंड 10, सो लाइट ड्राइव 10 टू 22 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया मीडियम ड्राइव, एंड अबाउट 22 अगर है तो उसको बोलेंगे हम हीवी ड्राइव। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ बेल्ट्स। बेल्ट के टाइप्स, जैसे अभी तक हमने नाम लिए है, फ्लैट है, वी है, तो ये क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट। अगर ये बेल्ट है, दो पुली पे अटैच किया हुआ, यहाँ पे एक पुली, यहाँ पे एक पुली सपोज, ठीक है, मैं ऐसे शो करूँ, तो ये जो बेल्ट है आपका, इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, दैट मे बी अ फ्लैट, दैट मीन्स मे बी अ रेक्टेंगल टाइप। नीचे देखो, फ्लैट बेल्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हो गया फ्लैट बेल्ट। उसका क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगल है तो ये हो गया फ्लैट बेल्ट। उसका क्रॉस सेक्शन वी में दिख रहा है आपको, जस्ट लाइक यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे पुली ऐसी वी ग्रूड है, पुली का जो ग्रू है वो वी है ऐसा, उसमें फिट होने के लिए जो बेल्ट रहेगी वो भी ऐसी इस शेप में रहेगी, सो दैट देर शुड बी अ प्रॉपर कंप्लीट कॉन्टैक्ट बिटवीन पुली सरफेस एंड द बेल्ट सरफेस। तो वो वी बेल्ट है। सर्कुलर बेल्ट, दैट मीन्स सिंपली जो बेल्ट रहेगा वो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल। सो डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, वी कैन
क्लासीफाई टाइप्स ऑफ बेल्ट एज अ फ्लैट वी एंड सर्कुलर बेल्ट और रोप. ओके सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बेल्ट यूज दिस डेज यट द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके तो हमारे सिलेबस में ये तीन स्पेसिफिकली दिए हैं. सो सबसे पहले डायग्राम क्या है फ्लैट बेल्ट के मोस्टली यूज इन अ फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स वेयर मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली व्हेन टू पुली आर नॉट मोर देन 8 मीटर्स अपार्ट. ठीक है फ्लैट बेल्ट कब यूज होगा जब आपका जो दो पुली का जो डिस्टेंस है अगर वो 8 मीटर से कम है. ओके जहाँ पे 8 मीटर के लिए और 8 मीटर से कम के लिए हम कौन सी बेल्ट यूज कर सकते हैं फ्लैट बेल्ट यूज कर सकते हैं. ओके और फ्लैट बेल्ट मतलब क्या सीधा सीधा इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगल है. वी बेल्ट क्या है वी बेल्ट हमने यहाँ पे उसका ज्योमेट्रिक शेप देखा है सीधा सीधा उसका जो ग्रूविंग है एग्जैक्टली ओवरलैप होना चाहिए तो यहाँ पे ऐसा वी बन रहा है ये वी बन रहा है यहाँ पे ये बेल्ट है कंप्लीट तो उसके कॉन्टैक्ट में यहाँ पे और यहाँ पे वी बन रहा है. और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है इसका इज मोस्टली यूज इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स वेयर ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर वेन द टू पुली आर वेरी नियर टू ईच अदर. तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम वी बेल्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं. इट इज प्रिफर्ड ओके इट इज सजेस्टेड कि अगर डिस्टेंस शॉर्ट है 8 मीटर से सपोज कम है तो आप वी बेल्ट यूज करो अगर 8 मीटर है मैक्सिमम है तो थोड़ा सा फ्लैट बेल्ट यूज करो. वॉट अबाउट दी सर्कुलर बेल्ट और रोप तो ज्योमेट्रिक शेप उसका सर्कुलर है तो ये हो गया सर्कुलर बेल्ट और रोप रोप रस्सी सीधा सर्कुलर बेल्ट और रोप एज शोन इन फिगर सी इस डायग्राम में इज मोस्टली यूज इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप वेयर ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड. ओके अगर कम पावर मॉडरेट पावर आपको ट्रांसफर करनी है और डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर से ज्यादा नहीं है तो आप फ्लैट बेल्ट यूज करो. क्लासिफिकेशन एकदम क्लियर है मैं रिपीट करता हूँ. देखो अगर मॉडरेट पावर ट्रांसफर करनी है एक एवरेज पावर ट्रांसमिट करनी है ज़्यादा नहीं है बिल्कुल और डिस्टेंस दो पुली का 8 मीटर से कम है सो इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड यूज फ्लैट बेल्ट. अगर पावर ज़्यादा ट्रांसफर करनी है और डिस्टेंस दो पुली का जो बीच का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो अगर कम है सो यू शुड यूज वी बेल्ट. वी बेल्ट क्या है जिसका शेप ऐसा वी हो रहा है. लास्ट वन इज अ सर्कुलर बेल्ट. सर्कुलर बेल्ट किस लिए ग्रेट पावर दैट मीन्स पावर मोर देन विच इज टू बी यूज इन और टू बी ट्रांसफर्ड इन अ वी बेल्ट. सो जितनी पावर वी बेल्ट में ट्रांसफर हो रही है उससे थोड़ी सी ज़्यादा पावर अगर ट्रांसफर करनी है ठीक है. और दूसरी चीज़ अगर दो पुली का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर से ज़्यादा है सो इस कंडीशन में आपको सर्कुलर बेल्ट यूज़ करना चाहिए. इट इज़ सजेस्टेड आर गेटिंग देयर आर टू पॉइंट्स थ्री पॉइंट्स एक्चुअली थ्री पॉइंट्स ऑन द बेसिस बेल्ट्स आर क्लासीफाइड. तो फ्लैट बेल्ट क्या है तो सीधा सीधा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है. कब यूज करना चाहिए अगर मॉडरेट पावर ट्रांसफर करना है तब और जो पुलिस का जो डिस्टेंस है दो पुलिस का डिस्टेंस अगर 8 मीटर से कम है तब. वी बेल्ट कब यूज करेंगे वी बेल्ट क्या है सीधा सीधा उसका जो शेप है कॉन्टैक्ट वाला शेप पुली और बेल्ट का वो वी है. सेकेंड चीज अगर पावर ज्यादा ट्रांसफर करनी है और जो दो पुली का जो डिस्टेंस है अगर वो कम है उस केस में वी बेल्ट यूज करना चाहिए. सर्कुलर बेल्ट क्या है सर्कुलर बेल्ट तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया उसका सर्कल है सीधा सीधा पहली बात ज्योमेट्रिकल शेप इफ यू टॉक अबाउट और पावर अगर ज्यादा ट्रांसफर करनी है कंपैरेटिवली फ्लैट बेल्ट एंड वी बेल्ट से तो अगर ज्यादा पावर ट्रांसफर करनी है और दो पुली के बीच का जो डिस्टेंस है 8 मीटर से ज्यादा है तो वहां पे हम सर्कुलर बेल्ट यूज करेंगे. ओके सो लाइक दिस यू नीड टू क्लासीफाई और दी राइट टाइप्स ऑफ बेल्ट्स. ओके सो डायग्राम एंड द थ्री पॉइंट्स ज्योमेट्रिक शेप पावर ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड एज वेल एज द डिस्टेंस. ठीक है तो ये तीन चीजों पे आपको क्लासीफाई करना है टाइप्स ऑफ बेल्ट. एक मेन पॉइंट लिखा है यहाँ पे इफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड मतलब क्या है पावर ज्यादा ही ट्रांसफर करनी है तो ऑलरेडी सजेस्टेड क्या है कि सीधा सीधा आप सर्कुलर बेल्ट यूज करो बट फिर भी पावर अगर ज्यादा ट्रांसफर करना है और सिंगल पुली से वो नहीं हो रहा है
देन अ सिंगल बेल्ट मे नॉट बी सफिशियंट। तो फिर क्या होना चाहिए, ये शाफ्ट है और यहाँ पे हम ये पुली है हमारी, यहाँ पे इस बेल्ट से दूसरी बेल्ट दूसरे पुली को हम अटैच कर रहे हैं। तो अगर आपकी जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो रही सिंगल पुली से, तो आप मोर देन वन पुली यहाँ पे अटैच करो, ठीक है। एक से ज़्यादा हमने पुली अटैच की है और फिर बाद में हर एक से वो बेल्ट दूसरी शाफ्ट पे शिफ्ट करो, तो यहाँ पे भी बहुत सारे पुलीज रहेंगे। तो एक ग्रूव से, एक पुली से अगर काम नहीं चल रहा है तो नंबर ऑफ पुलीज वहाँ पे बढ़ाओ एक ही शाफ्ट पे, और नंबर ऑफ बेल्ट्स बढ़ा दो, सो दैट जो पावर ट्रांसमिशन है वो इजीली हो सकता है और कम्प्लीटली हो सकता है, पावर लॉस कम होगा, जो टेंशन रहेगा बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा इफेक्ट वो कम से कम आएगा, ओके, और कंप्लीट पावर ट्रांसमिशन भी होगा। डेफिनेटली वेट बढ़ेगा, शाफ्ट पे वेट बढ़ेगा, लेकिन जो जैसे कि यहाँ पे शाफ्ट और सिंगल पुली है आपकी, ठीक है, तो जो जो फ्रिक्शनल लोड रहेगा यहाँ पे आने वाला वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर यहाँ पे पुली है तो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा लोड, और क्या है स्टिफनेस मेंटेन रहेगी और पावर जो ट्रांसमिट है सेकेंड शाफ्ट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो ईजिली हो सकता है, ओके। सो इफ़ सिंगल बेल्ट इज नॉट सफिशियंट, सो आप क्या कर सकते हो, इन सच केस वाइड पुलीज विथ नंबर ऑफ ग्रूव्स, मतलब पुली एक ही और उसमें नंबर ऑफ ग्रूव्स बहुत ज़्यादा है, तो पुली कैसी ऐसी ऐसी रहेगी, ये एक ही पुली है सपोज, नंबर ऑफ पुली से ज़्यादा एक ही पुली बट उसमें ग्रूव ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेल्ट हो सकता है, यहाँ पे बेल्ट, यहाँ पे बेल्ट, यहाँ पे बेल्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रूव्स वाली पुली अटैच करो और एक से ज़्यादा बेल्ट यूज करो, देन द बेल्ट इन ईच ग्रूव इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली, सो दैट इजिली पावर ट्रांसमिट ज़्यादा भी होगा और अच्छे से भी होगा, ओके। सो आई थिंक दैट इज सफिशियंट फॉर टूडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मटेरियल यूज फॉर द बेल्ट, सो अलग अलग मटेरियल जो यूज हो सकते हैं बेल्ट के वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो थैंक यू।